मेरा दिल बहुत परेशान हो रहा है। सच बता, तुझे मेरी कसम है बेटा, बताना बेटा, देख तुझे मेरी कसम है। एक्चुअली दादी, मैंने ही प्रज्ञा दी को फोन करके बुलाया था क्योंकि वहां संग्राम सिंह आ गया था और वो पूरब जी को उठा कर ले गया। हाय रब्बा, वो ही संग्राम? वो पूरब जी दादी, वही वो आया और पूरब जी को उठा कर लेकर चला गया। मैं बता नहीं सकती दादी, हम किस परेशानी से यहाँ तक पहुंचे, हम किस तरह से वहां से भाग कर निकले। ये दवाई गई? हाँ दवाई आ गई, चलिए मैं लगा देती हूँ। हाँ रब्बा, इतना सब कुछ हो गया और तुम चारों ने हमें बताया तक नहीं, अब बोल रहे हो। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि वहाँ जाके संग्राम सिंह से लड़ना है और पूरब की जान बचानी है, ये आइडिया किसका था? किसने कहा था कि वहाँ संग्राम सिंह के अड्डे पे जाना है? पहले पुलिस को क्यों नहीं बताया? वहां जाने का आइडिया, अकेले जाने का आइडिया किसका था? ये सही टाइम है इस चिपकली से सारे बदले लेने का। क्या बताए दादी, सब तो इसी का प्लान था। कह रही थी मुझसे कि पूरब और दिशा ट्रबल में, मुश्किल में किडनैप हो गए, हम जाकर उनकी मदद करते हैं। हर एक हालत है, वहां तक तो ठीक था। उसके बाद ये भी कह रही थी कि ये सब करने के बाद तो हम हीरो बन जाएंगे, क्या वाहवाही होगी हमारी। देखा दादी, मैंने आपको कहा था ना कि ये लड़की भरोसे के लायक नहीं। इस मुनि को तो कुछ पड़ी ही नहीं है, हमेशा भाई को खतरे में डालती रहती। उस दिन अंदर सांप के साथ भाई को अंदर छोड़ दिया था, आज इस गुंडे के शहर में लेकर। जब इसे अच्छी तरीके से पता था कि ये उसका शहर है, वहां वो कुछ भी कर सकता था, तो भाई को साथ में क्यों लेकर गई? पुलिस को नहीं बुला सकती थी? इडियट! ये तो लगता है कि ये इसकी सोची समझी साजिश थी। ये चाहती थी कि भाई पिटे, इसको कोई परवाह नहीं है कि भाई को चोट लगे या भाई की जान खतरे में जाए, इसीलिए भाई को जानबूझकर वहां पर लेकर गई। कुछ नहीं पड़ी इसे दादी, भाई को अगर कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता क्योंकि मैं थी इनके साथ। कुछ नहीं होता, हालत देखिए उनकी, पूरब का चेहरा देखो, वो तो किस तरीके से बच गए दोनों, वरना पता नहीं क्या हो जाता वहां पर। और ये सब कुछ आप लोगों की वजह से हुआ है, सर पर चढ़ा के रखा हुआ है इसे, इतनी छूट दी हुई है इसे, इतना भरोसा करता है क्या कोई इसके ऊपर? अरे भरोसे के लायक नहीं है, इसकी वजह से ये हालत हुई है सबकी। दादी पर बोल तो सही रही। आपने इसे सिर पे चढ़ा रखा है ना, और ये हम सबको सूली पर चढ़ाने वाली थी। आता क्या है इसे, कुछ सही गलत कुछ नहीं आता, बस लड़ना आता है। कहाँ कहाँ नहीं दुख रहा है दादी, इतना पिटवाया। आप बोलना क्या चाहते हैं? मेरी वजह से आपको चोट? अब कोई बहाना मत बनाना प्लीज। कह रहा था मैं दादी से, कितनी बार कहा ये लड़ाई झगड़ा हम सबके बस की बात नहीं, हम नहीं करते हैं सब कुछ, लेकिन बात का मत। इसे लड़ाई बहुत अच्छा लगता है ना। क्या लड़ी,
उड़ उड़ के निंजा किक मार रही थी हम। सबको जो पटके पड़े इसी बेचारे। दादी आप ही कुछ कहिए, अभी आप ही का लाड प्यार है। ओ काका दुख रहा है तुझे यहाँ पर भी। मुन्नी तूने आज ना बहुत गलत किया। दासी, दादी, दासी एकदम सही बोल रही है। इसने ना बहुत गलत किया है। ये ना आजकल अपनी बहुत मनमानी करने लगी है। आप इसे डांटो ताकि इसकी मनमानी बंद हो। अब इस मुन्नी की बचेगी पुंगी। ऐसी डांट पड़ेगी ना दादी से कि सारी हेकड़ी निकल जाएगी। दादी मैं तो कह रहा हूँ ना, अपने गाड़ी को डालो टॉप गियर पे और चढ़ा दो इसके ऊपर। हाँ। हाँ, चढ़ाओ दादी। देख बेटा, आज जो तूने काम किया है ना, बहुत अच्छा काम किया। भगवान तेरा भला करे। और तुझे हर खुशी दे बेटा। तेरी हर ख्वाहिश पूरी हो। बिल्कुल सही फैसला किया है तूने। तेरी सूझबूझ की वजह से ही आज मेरा पुरुष मेरे सामने है। तू अगर ऐसा नहीं कहती तो मैं पुरुष को खो देती। बेटा ये राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, सिर्फ तेरी सूझबूझ की वजह से ये जोड़ी आज मैं फिर से देख रही। मेरी जोड़ी सलामत है ये। देख बेटा, ये दोनों मेरे बच्चे इस घर के चराग है, इन्हीं से ये घर रोशन है। और तूने मेरे बच्चे अपने हाथों की ओट से इन्हें बुझने से बचा लिया है। और पुत्र, मेरे ये दोनों हाथ हमेशा हमेशा के तेरे सर पे रहेंगे पुत्र। अरे काट 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 काट, चल क्या रहा है यहाँ पर? मुझे लगा था कि आप इसे डांटेंगी, शायद हाथ भी उठा दे, लेकिन आप तो हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रही है। दादी बहुत ही स्ट्रांग। हाँ तो क्यों ना दूंगा आशीर्वाद इसे। हाँ काम ही ऐसा किया। अरे क्या काम ऐसा किया है? गुंडों से पिटवाया, मुझे कहाँ कहाँ नहीं पिटवाया दादी। अच्छा तो अब तू मुझसे भी पिटना चाहता है? तूने अगर गुंडों से मार खाई है ना तो पूर्व की वजह से खाई है। अगर तू ऐसा नहीं करता तो पूर्व घर कैसे आता? और ये लड़की अगर अकेले ही पूर्व के पास पहुंच जाती और पूर्व को बचा के ले आती तो पुत्र तुझे कैसा लगता? शर्म ना आती तुझे? आज इसने वो ही काम किया है जो मेरी प्रज्ञा ही कर सकती है। और मैंने भी इसे वो ही आशीर्वाद दिया है जो सिर्फ अपनी प्रज्ञा को देती हूँ। जा बेटा, जाके से दवाई लगा। आइए
मैं आपके जले पे नमक, सॉरी, चोट पे दवाई लगा दी। क्या हुआ? चल रहे, चल रहे, चल रहे। चोट चल रही है या दिल जल रहा है? कर रही हो तुम जानबूझ कर ये सब करी। इतना दर्द तो मुझे चोट लगने पे नहीं हुआ जितना कि तुम्हारे दवाई से हो रहा है। तुम मुझे ठीक करना चाहती हो या रुलाना चाहती हो? क्या आप इतना रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं? अरे दवाई तो लगानी पड़ेगी ना, इतना तो बच्चे भी नहीं रोते हैं। बोलो बबली, तुम रोती हो ऐसा? नो, नेवर। देखा, आप बच्चों से भी गए गुजरे। और तुम बहुत पहुंची हुई हो, तुम जान बुझ कर ये सब करी हो ताकि ताकि मुझे जले, दर्द हो, मैं रो, जान बुझ के क्या? अरे चोट पे एंटीसेप्टिक लगाना पड़ता है, नहीं तो चोट सेप्टिक हो जाती है। हाँ बाबा बिल्कुल सही बोल रही है ये। अब जब बाहर से चोट लगती है ना तो सेप्टिक हो ही जाता है। तुम दवाई लगवा लो, नहीं तो फिर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। इंजेक्शन? मुझे नहीं लगाना कोई इंजेक्शन। इंजेक्शन क्यों लगाए? क्या मतलब नहीं लगाना? अब दवाई नहीं लगाएंगे, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ऐसे कैसे चलेगा? दादी तुम देख रही हो कैसे डांट रही है मुझे। नहीं नहीं, यही लगाएगी दवाई। क्या? बचपन से देखती आ रही हूँ तो दवाई नहीं लगवाता, अब यही लगाएगी। दादी तुम्हारे प्यार ने इसे चढ़ा कर रखा है, तुम इसी तरह बोलती रही ना तो ये और डांटेगी मुझे। दादी मुझे कोई चढ़ा वड़ा नहीं रही, मैं सही हूँ इसलिए मेरा साथ दे रही। आप सही होते तो आपका साथ देती। अच्छा, मैं हमेशा से सही होता हूँ, मेरे काम सही होते, मैं एकदम सही। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। मुझसे? और नहीं तो क्या, एक दवाई नहीं लगवा सकते आप चोट पे ढंग से? तुम चैलेंज कर रही? बिल्कुल चैलेंज कर। तुम मुझे चैलेंज कर? हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ कि आप चुपचाप रहकर मुझे दवाई लगाने दीजिए। दवाई क्या, तुम कुछ भी लगा लो, आप चिल्लाना तो दूर, मेरे मुझसे हवा तक नहीं निकले। तुम लगाओ उससे। पक्का? सुपर पक्का। चुप। अरे क्या हुआ? अब नहीं होगा। तुमने चांस करे चीप क्वालिटी का एंटीसेप्टिक यूज किया था कि मुझे जलन है मेरे रूम। क्यों गाइस, तुम पागल हो गए? तुम लोग क्यों हंस रहे हो? लोग इसलिए हंस रहे हैं कि आज आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है। अच्छा, बहुत हंसी आ रही है तुम लोगों को। वो खाना गर्म कर दो, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब खाने की बात मत कर। बताओ क्या कर रहे हो तुम लोग? जाओ ना कमरे में जाओ, एक दूसरे को दवाई लगाओ। नई नई शादी हुई है, शादी को एंजॉय करो। कब तक एक्शन करेगा, रोमांस भी कर। तुम इधर क्या देख रहे हो? उधर देखो। ए बबली, इधर क्या घुस गई? उधर देख। मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं तुम दोनों के लिए गरम गरम खाना भिजवा दो। गरम गरम खाना खाना, एनर्जी ले आना। उसके बाद पापा मत कर, जाकर पापा कर। जाओ मेरे भाई, बहुत हंसी कर रही है ना, दादी के सामने बोलो प्लीज। हाँ टेंशन मत लेना, खाना भिजवा देता हूँ मैं, तू आराम कर, जितनी चोट लगी है थकान हो गया होगा। अच्छा मैं चलता हूँ, एंजॉय एंजॉय, आई मीन दवाई दवाई दवाई। ओके बेटा, अभी इसका मूड खराब है, तू एक काम कर, इसकी स्पेशल वाली खास जो है कॉफी वो इसे पिला दे, अभी इसका मूड ठीक हो जाएगा। मैं भी यही सोच रही थी दादी, मैं इनके लिए इनकी स्पेशल कॉफी बना दी। पागल हो गई सबके सब पागल हो गई है इस घर में, समझ नहीं आता क्या कर रहे हैं लोग, इन लोगों को अक्ल नहीं है क्या? उस प्रज्ञा की शक्ल का जादू फिर से चलने लगा, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि वो प्रज्ञा नहीं मुन्नी है, मुन्नी। लेकिन नहीं, दिमाग खराब है सब लोगों का, भाई को मुन्नी के साथ भेज दिया और पूरा उस दिशा के साथ, अनबिलीवेबल। ये सब कुछ उस मुन्नी की वजह से हो रहा है। देखना तुम उसकी ऐसी हालत कर दूंगी ना, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, खून के आंसू बहाऊंगी उसे, खून के आंसू। Ha ha ha!
तनु मैम आपके लिए फोन है। मेरे लिए? यस मैम। हेलो हेलो मोनिका। यस मैम। ये देखना सर। हाँ से मोनिका बोलो। आप लोग वापस आ गए? हाँ से मोनिका हम आ गए। बोलो क्या काम था? मैम वो मैम मुझे आपकी बहुत टेंशन हो रही थी। आप लोग ठीक हैं? और अभी सर ठीक हैं? हाँ हम लोग तो अब ठीक हैं लेकिन एक्चुअली वो कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम मैम? क्या बताऊँ वहाँ पे ना एक गुंडा है वो संग्राम सिंह। उसकी और हमारी फैमिली की कुछ प्रॉब्लम है पहले से। दिशा वहाँ शादी पे गई थी तो दिशा और पूरा फोर्स ने किडनैप कर। बस हमारे अभी सरों में वही प्रॉब्लम सॉल्व करने गए थे। बात एक्चुअली काफ़ी बिगड़ गई थी। वो इनकी जान लेने पर उतर आया था लेकिन थैंकफुली अब सब कुछ ठीक है। हम वापस आ गए। थैंक गॉड मैम आप ठीक हैं। आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। आप अचानक चले गए हॉस्पिटल से आई थी इतनी बीमार थे आप दोनों एंड आप दोनों का फोन भी नहीं लग रहा था मैम। मैंने बहुत बार ट्राई किया फिर रात को बहुत लेट हो गया था मैं घर आ गई। नहीं नहीं तुम स्ट्रेस मत लो अब हम सब ठीक हैं और वापस आ गए। बात काफ़ी होगी तुम सो जाओ ना मैं कल मिलकर बात करती। यस मैम गुड नाइट। गुड नाइट। संग्राम सिंह ये है किस खेत की मूली और ये कैसे अभी को मार सकता है? उस अभी को तो मैं मारूंगी। उसने मेरे पति को मारा है। अभी डॉक्टर आने वाले होंगे तुम ठीक हो जाओगे। बिल्कुल मुझे जाने दो मैं नहीं बचूंगा। ऐसी बात मत करो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मुझे माफ कर दे यार मेरे साथ पूरी जिंदगी रहने का वादा नहीं पाया। मैं जल्दी छोड़ के जा रहा हूँ। मैं चाहते हो तुझे रोते हुए देख के नहीं जा सकता। मैं नहीं रहूंगी पर कुछ ऐसा मत बोलो। अब कुछ नहीं होगा समझे आप। हमने साथ जीने मरने की कसमें खाई। हम जिएंगे साथ और मरेंगे साथ। नहीं से मैं तो जीना होगा। सभी से मेरी मौत अब बदला ले रहा है तू। मैं तो घर आ रहा था यार पैसे मिलने के लिए लेकिन वो सभी ने मेरे साथ ये सब किया। तू वादा कर मुझसे वादा कर से मैं तू छोड़ेगी नहीं उसे जान से मार देगी। तुम्हें मेरे प्यार की कसम तू अभी को जान से मुझे माफ कर दो दुष्यंत। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना ये जिंदगी जीना सजा है। और जब मैं उस अभी को अपने सामने देखती हूँ ना मुझे अपनी लाइफ का एक एक मिनट सजा लगता है। मैं ना तो तुम्हें बचा पाई और ना अभी तक तुम्हारा बदला ले पाई। पर मैं तुम्हारी कसम खाती उस अभी को आज नहीं तो कल मैं मार कर ही रहूंगी। I will kill him! अभी ने तुम्हारी जान ली है प्रज्ञा के लिए।
जिस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ उससे वो प्रज्ञा गुजरेगी। जब मैं उसके पति अभिषेक प्रेम मेहरा की जान लूं, सब उसे पता चलेगा कि तकलीफ क्या होती है, रोना क्या होता है, किसी अपने के बिना जीना क्या होता है। जब वो अपने पति के बिना दिल दिल मरेगी तब वो समझेगी कि मैं कैसे तुम्हारे बिना मरी हूँ। उसे भी वैसे ही तड़पना होगा जैसे मैं कर रही हूँ। अभिषेक प्रेम मेहरा को मेरे हाथों मरना होगा।